What's up YouTube, I'm Shubham Chaudhary and I'm back with another video. Friends, मैं आज एक बहुत ही important topic पे बात करने जा रहा हूँ कि हम trial को, जो trial का pressure होता है, उसको overcome कैसे करें। चलिए video को शुरू करते हैं। पहले ही मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि मैं बहुत दिन से video इसलिए नहीं ला पा रहा हूँ क्योंकि जो मैंने last vlog डाला था उससे एक vlog पहले मुझे injury हो गई थी, मेरे लेफ्ट हैंड की फिंगर में बॉल लग गई थी जिसके कारण मैं बहुत दिन से नेट्स नहीं कर पा रहा हूँ और मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा। तो अब पहले से मेरी फिंगर ठीक है तो अब मैं रेगुलर वीडियो लाता रहूँगा। पहले आज हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। आप लोग बहुत दिन से या बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि ट्रायल का प्रेशर है जो, उसे हम कैसे पार करें या ट्रायल के जो प्रेशर होता है उसको ओवरकम कैसे करें। आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। बीच में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा तो उससे मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो पूरी देखी है या नहीं, और उस वीडियो का, उस क्वेश्चन का जवाब जरूर देना। सबसे जरूरी है कि जब ट्रायल होता है तो 90% जो प्लेयर होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा। इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो भी जाके जरूर देखना। सबसे जरूरी है कि आप लोग मेहनत करो। आप लोग मेहनत करते नहीं हो, आप सिर्फ इस चीज पे डिपेंड हो जाते हो कि मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, मैं तो बहुत ही अच्छा प्लेयर हूँ, मैं बहुत अच्छे रन बनाता हूँ। तो आप क्या करते हो, ट्रायल आने से पहले या ट्रायल जब होते हैं तो आप प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से आपका जो है सिलेक्शन नहीं होता। फिर आप लोग क्या होते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो या क्रिकेट छोड़ देते हो, या फिर जो सेलेक्टर्स होते हैं या कमेटी होती है आप लोग उन्हें ब्लेम करते हो। पर इसमें आपकी भी कहीं ना कहीं गलती होती है, जिस कि जब आप प्रैक्टिस नहीं करते। कुछ प्लेयर क्या करते हैं, वो प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं पर अपने बेसिक्स पे काम नहीं करते। ट्रायल में ज़्यादातर सेलेक्टर क्या देखते हैं, वो आपके बेसिक चेक करते हैं कि आप अच्छे ड्राइव मारते हो या नहीं, आपका जो बॉलिंग है वो अच्छे लेंथ पे हिट हो रही है या नहीं, आपका डिफेंस सॉलिड है या नहीं। पर कुछ प्लेयर क्या करते हैं, जाते ही बल्ला घुमाना शुरू कर देते हैं, 2-3 सिक्स मार देते हैं, पर फिर क्या होता है जब डिफेंस की बारी आती है तो उनके जो डिफेंस हैं वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं होते या वो डिफेंस पे थोड़ा कमज़ोर होते हैं। तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मेहनत करोगे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोग जो जो ये वीडियो देख रहे हैं उसकी, उनकी एज क्या है, मतलब आपकी जो एज है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। एज मैटर नहीं करती, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। आप लोग बहुत क्वेश्चन पूछते हो कि मैं 16 साल का हूँ, अकेडमी शुरू कर सकता हूँ या नहीं, ट्रायल पास कर सकता हूँ या नहीं, वो मैटर नहीं करती। हाँ, अगर आप 16 के हो तो आप अंडर 19 खेल सकते हो, 19 के हो तो 23 खेल सकते हो, 23 हो तो सीनियर खेल सकते हो, तो इसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। ज़रूरी क्या है, मेहनत। मेहनत नहीं करोगे आप कितने ही अच्छे प्लेयर हो आप कुछ नहीं कर पाओगे। सबसे ज़रूरी है अपने घमंड को, आपको जो आपका ईगो है आपको उसे ज़ीरो लेवल पर लाना पड़ेगा। अगर आपका ईगो हाई होगा तो आप एक अच्छे प्लेयर, जब बोलते हैं ना कि एक अच्छे प्लेयर की ग्रोथ हो रही है, वो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, आप डाउनफॉल होगा वो आपका। आपको अपनी ईगो, अपना एग्रेशन, उसको ज़ीरो रखना पड़ेगा। एग्रेशन रखो पर एक अच्छा एग्रेशन होना चाहिए, सामने वाली टीम की, सामने वाले प्लेयर की, अपने टीममेट्स की, उनकी रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करना सीखोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जब आप ट्रायल देने जाते हो तो अगर आप एक अच्छे प्लेयर हो तो सब लोग आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं, आपकी पूरी टीम, आपके कोचेस आपको ऑल द बेस्ट बोलते हैं। पर आप एक अगर घमंडी प्लेयर हो तो वो आपको ऑल द बेस्ट तो बोलेंगे पर पीछे ये बोलेंगे कि यार इसका सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, लड़का अच्छा नहीं है, इसका नेचर अच्छा नहीं है, तो ये आपका एक वीकनेस हो सकती है। तो सबसे ज़रूरी है अपने अंदर की जो ईगो है उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। फिर जब ट्रायल में जाओ कभी भी प्रेशर नहीं लेना है। कुछ लोग क्या प्रेशर ले जाते हैं, जैसे अगर कोई प्लेयर 19 स्टेट खेला हुआ है और वो ट्रायल में आ जाए और उसने अगर 19 की किट पहनी हुई है तो जो बिगनर है
या जो स्टेट नहीं खेला वो प्रेशर ले जाता है कि यार इसने तो 19 स्टेट खेली हुई है या 23 स्टेट खेली है, इसके पास तो किट है। उस चीज का आपको प्रेशर नहीं लेना। ग्राउंड पे जब आप उतरते हो तो हर प्लेयर सेम है, आप भी उतने ही अच्छे हो जितना कि वो ट्रायल दे रहा है और आप ट्रायल दे रहे हो, तो आप लोग सेम हो। हाँ, उसकी स्किल आपसे थोड़ी ऊपर हो सकती है, पर जो आपका डिटर्मिनेशन है वो दोनों का सेम हो सकता है। तो कभी भी आप प्रेशर मत लो सामने वाले का। हमेशा बॉलर हो तो बैट्समैन को बॉल कराओ, अपनी बॉलिंग पे ध्यान दो, जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उस पे ध्यान दो। सामने वाला, चाहे सामने विराट कोहली भी खेल रहा हो या कोई भी प्लेयर खेल रहा हो, रणजी ट्रॉफी स्टेट प्लेयर, आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। बैट्समैन हो तो आप अपनी स्ट्रेंथ पे रहो, आपके डिफेंस अच्छे हैं तो आप सॉलिड डिफेंस करो, ड्राइव अच्छे हैं तो ड्राइव मारो। कभी भी बोलते हैं ना कि बॉलर को नहीं खेलना चाहिए, बॉल को खेलना चाहिए, बैट्समैन को नहीं खेलना चाहिए, बॉल कराना आना चाहिए, तो वही है। जब आप वो अपने दिमाग से वो निकाल दोगे, आपका जो प्रेशर है ट्रायल का वो बिल्कुल निकल जाएगा। हाँ, ये गारंटी नहीं है कि आप फर्स्ट ट्रायल में ही सेलेक्ट हो जाओगे या सेकंड ट्रायल में ही सेलेक्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। वो आपकी मेहनत पे डिपेंड है। और वो जब आप, अगर आप लोग ट्रायल दे रहे हो और आप ट्रायल में नहीं सेलेक्ट हो रहे, तो जब आपका जो कैरेक्टर है वो पता चलता है कि आप अगले साल कितना स्ट्रांगली वापस आते हो। कुछ प्लेयर क्या करते हैं, जैसे सेलेक्ट नहीं होते तो वो यही घर चले जाते हैं कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, या खेलते भी हैं तो बहुत ही मजाक वे में खेलते हैं, प्रैक्टिस मन से नहीं करते, फिर अगले साल ट्रायल पे जाते हैं तो फिर उनका सिलेक्शन नहीं होता। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। अगले 365 दिन आपको मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तो ही सक्सेसफुल होगे। सिंपल सा फंडा है, मेहनत करोगे तो सेलेक्ट होगे, तो जो आपका प्रेशर है ट्रायल का वो ओवरकम कर पाओगे, एक बेहतरीन प्लेयर बन पाओगे और आपकी जो प्रोग्रेस है वो ऊपर की तरफ जाने लगेगी। तो कभी भी अपने आप को किसी से कम मत समझना। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, सेम अकाउंट है शुभम क्रिकेट अकेडमी। आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।